हाँ तो भाई कैसे हो सारे। तो पहले बातचीत करते हैं मनिंदर भुट्टर को। तो भाई सभी लोग जानते हैं, भाई ने तगड़े तगड़े हिट्स दे रखे हैं पंजाबी म्यूज़िक सीन में, और भाई शुरू से ही अपने हनी भाई को गुरु मानते हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा हर इंटरव्यू में हनी भाई की बातचीत जरूर करते हैं। तो म्यूज़िक कल्चर की साइड से एक और इंटरव्यू निकला है जिसमें उन्होंने बताया, कुछ टाइम पहले ना भाई ऐसा सीन था जब तक हनी पाजी नहीं थे, कि बॉलीवुड में अगर कोई ट्रैक आया करता था ना, या फिर कोई भी ट्रैक वगैरह आया करता था, तो मॉडल्स को आगे करा जाता था और जो सेलिब्रिटीज़ है उसको आगे करा जाता था, लेकिन जिसका वो ट्रैक होता था आर्टिस्ट है ना भाई, वो बैकग्राउंड में हुआ करते थे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। बट हनी पाजी आए तो रात उन्होंने पूरा सीन चेंज कर दिया, अंग्रेजी बीट और ब्राउन रंग जैसे हिट दे के उन्होंने जो है बॉलीवुड को दिखा दिया कि अगर मेरा गाना चाहिए है तो भाई मैं खुद फीचर करूंगा जो भी सेलिब्रिटी हो सामने, चाहे वो SRK हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, मैं जरूर उस ट्रैक में होऊंगा और फ्रंट में होऊंगा। तो इसके बाद से भाई ने बताया कि भाई जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अभी काम कर रहे हैं, ये सब हनी पाजी की देन है, उन्होंने जो है भाई रास्ते खोले हैं और अब आर्टिस्ट काम कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, उनको जैसा काम करना है वो वैसे कर पा रहे हैं। और बाकी इसके अलावा 3-4 साल पहले भाई ने कोलैबोरेशन भी रिवील करा था अपने हनी पाजी के साथ में, ड्यू टू सम रीज़न नहीं आ पाया, होप सो आगे देखने को मिलेगा अपन को। इसके अलावा मैंने आज एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने यही बताया था कि जियान की जो एल्बम है उसमें 16 गाने हैं और ऑलमोस्ट 10 गाने उसमें कॉपी हैं, बंदे ने कहीं ना कहीं से उठाए हैं किसी अंडरग्राउंड रैपर के, तो फिर किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के, मतलब जियान को लगता था क्या ही पता चलेगा लोगों को, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। खासकर कि हनी पाजी के फैंस भाई, उनको तो बिल्कुल भी उंगली मत करो, वो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं कि तुमने क्या गंद मचाई है। किसी ट्रैक का फ्लो कॉपी है, किसी की कंपोजिशन कॉपी है, किसी की बीट्स कॉपी हैं, लिरिक्स कॉपी हैं, भाई बंदे ने वर्स तक उठाए हैं। मैंने ये वीडियो डाली थी, चेक कर, मैंने एक एक गाने के बारे में बातचीत करी है, ये चेक कर लेना। तो वो वीडियो वायरल हो गई और राजपाजी ने एक स्टोरी भी लगाई है, उन्होंने लिखा, आर्टिस्ट आफ्टर कॉपिंग अ वीडियो एंड सॉन्ग शेक इट विथ कॉन्फिडेंस। इमोशनल डैमेज। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, उस वीडियो पे बॉट कमेंट्स कराने चालू कर दिए और भाई नई नई आईडी बनाई जा रही है, 0 पोस्ट है उन पे, प्राइवेट अकाउंट हैं और कमेंट्स क्या कराए जा रहे हैं, अनएजुकेटेड फैंस हनी सिंह के सैंपल्स का ज्ञान रहे हैं भाई कमेंट सेक्शन में, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चूहे भाई, इनको कोई बताओ कि सैंपल्स 1 या 2 गाने के मैच हो सकते हैं, चलो फ्री हैं भाई कर लिया या फिर खरीद लिया, लेकिन ये कोई मिरेकल तो हो नहीं सकता है कि भाई 10-10 गाने जो है भाई कॉपी मारे जा रहे हैं। चलो सैंपल्स का तुम छोड़ दो, लिरिक्स भी तो छाप लिए भाई, हुक लाइन वर्स तक उठाए हैं, चलो ये सब छोड़ो, अपने हनी पाजी ने भी फिर से पेल दिया है। हनी पाजी लिखते हैं, दिस इज हाउ आई रिएक्ट व्हेन दे डिस मी गांडू। और बाकी इसके अलावा भाई न्यू ट्रैक के अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है और कुछ भी अपडेट नहीं आई है टीम की साइड से भी। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट तक हनी पाजी ग्लोरी EP का जो ट्रैक है म्यूजिक वीडियो उसको शूट कर लें और डायरेक्ट ग्लोरी निकाल दें भाई। चलो बाकी वेट करते हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को हनी पाजी के फैन हो, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय।